पहाड़ में ना रिक्शे में बैठने का अलग ही आनंद है। तो यार आप जब हल्द्वानी से नैनीताल शहर आओगे ना तो पहले यही नजारा मिलने वाला है। बच्चे तो सबसे ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही सही हो जाए। तो ये मजनूओं के पेड़ हैं जितने भी दिख रहे हैं इस तरफ, अब इनको लोकल। हे गाइस, क्या हाल है सभी का? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं रोहित। सो वेलकम बैक टू द वीडियो। सो इट्स अ ब्यूटीफुल डे विद अ ब्यूटीफुल व्यू। सो बोट स्टैंड पे हूँ आज, और आज शहर में ऑफ सीजन जैसा चल रहा है, लेकिन क्या है कि जो धूप है, धूप में भी सर्दी लग रही है फिलहाल। सो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन टुडे, लेट्स सी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ब्लू स्काई विद अ ब्लू लेक, और खूब इंजॉय हो रहा है। देखो लेक में बहुत सारी बोट्स दिख रही हैं, टूरिस्ट जितने भी हैं। भाई आज ऐसा है ना, धूप की सर्दी, तो ये भी बड़ी टिपिकल सा शब्द आज निकल गया अचानक के। धूप की जो सर्दी है वो भी बहुत ही खास होती है नैनीताल शहर की। तो वही एक देखा जाए तो गुलाबी गुलाबी सी ठंड या मीठी मीठी सी जो सर्दी हो रही है धूप में, उसका आनंद लेने का मज़ा ही कुछ और होता है, वो जाड़ों में ही होता है। खैर बाकी जितने भी टूरिस्ट हैं इधर भी, एक और बोट निकल पड़ी है लेक की तरफ को। अगर हम आज के टेम्परेचर की बात करें ना, इस वक्त करीब 13 डिग्री के आसपास हो रहा है और शाम को 4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जा रहा है। बाकी मज़ा आ रहे हैं। खैर यार, बहुत दिनों बाद ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है, सही बताऊँ तो। नहीं तो कभी बादल लग जा रहे थे, कभी बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जा रही थी, लेकिन आज खैर दिन में करीब, अभी समय की भी बात करते हैं तो 3 बजने वाला है वैसे, और अद्भुत ही माहौल हो रहा है शहर का। तो चलते हैं मॉल रोड की तरफ को और वहाँ गतिविधियाँ देखते हैं आज क्या क्या हो रही हैं। ऐसा करते हैं, ई रिक्शा में चलते हैं तलीताल, फिर वहाँ से पैदल आएंगे। तो 10 रुपये करीब लगते हैं ई रिक्शा में जाने में। तो सामने ही यहाँ का जो रिक्शा स्टैंड है वो वहीं पर को सिचुएटेड है, और क्या है कि यहाँ पर टिकट लेना पड़ता है। बहुत से व्यूवर्स ना नैनीताल आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो रिक्शा स्टैंड है यहाँ पर लाइन किस चीज़ की लगी है, तो यहाँ पर लाइन लगानी पड़ती है रिक्शे के लिए। देखो ये आ गई ई रिक्शा, अब टिकट लेते हैं। टिकट काउंटर अंदर है, तो यहाँ से एक एक करके आगे चलते रहो। टिकट मिलेगा 10 रुपये का, फिर इस टाइप की ई रिक्शा में बैठो और फिर चलते हैं सीधे तलीताल को। मेरे ख्याल से ज़्यादा वेट तो अभी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा भीड़ है नहीं। और ये पूरा जो रिक्शा स्टैंड बनाए ने पूरी उत्तराखंड शैली में बनाए, उत्तराखंड की पाथर ये जो लगे हुए हैं ना, हम लोग पहाड़ में इसको पाथर बोलते हैं, तो पूरी प्रॉपर उत्तराखंड की झलक ये पूरे रिक्शा स्टैंड में दिखेगी। हम तो बैठे ई रिक्शा में आराम से विजुअल देखते हुए चलेंगे। पहाड़ में ना रिक्शे में बैठने का अलग ही आनंद है। तो यार जब भी नैनीताल आते हो तो एटलीस्ट रिक्शे में बैठना, वैसे आप लोग बैठ ही जाओगे जब भी यार आप तलीताल उतरोगे, तो मलीताल जाने के लिए रिक्शे में बैठना ही पड़ेगा। इट जस्ट टुक 3 मिनट्स टू रीच फ्रॉम मलीताल टू तलीताल। तलीताल वाला जो बोट स्टैंड है वहाँ पर को आ गया हूँ। थोड़ी देर पहले हम जो मलीताल वाला बोट स्टैंड है वहाँ पर को थे, और एग्जैक्ट हम अपोजिट आ चुके हैं। देखा ना, पल भर में दृश्य बदल जाते हैं। आप जब हल्द्वानी से नैनीताल शहर आओगे ना तो पहले यही नज़ारा मिलने वाला है, और सामने ही खूब बड़ी सी चोटी दिखेगी जो चाइना पेक वाली चोटी दिख रही है, सबसे ऊंची चोटी नैनीताल की। और अलग अलग पहाड़ जितने भी है सभी दिखने वाले हैं। और जितने भी भीड़ भाड़ हो रही थी वो उस तरफ को मलीताल को ज़्यादा हो रही थी, ये वाले बोट स्टैंड पर इतनी ज़्यादा क्राउड नहीं दिख रहा है। लेकिन नैनीताल शहर आते ही पहला बोट स्टैंड यही पड़ेगा, और अगर हम ऐसे घूम जाते हैं तो आर्मी रिकूप सेंटर सामने रहा, और ये नैनीताल रोड, यहीं से मॉल रोड शुरू होती है। ये जो रोड जा रही है अंदर को, ये वाली जो रोड जा रही है ये जाती है सीधे कैची धाम भवाली की तरफ को। इधर वाली रोड हल्द्वानी, और सामने ही तलीताल बाज़ार, यहाँ पर को बस स्टैंड दोबारा से बन रहा है रेनोवेट होकर यही उत्तराखंड की शैली में दोबारा से ही। और ये बिशप सा चर्च या स्कूल दोनों ही हैं। बाकी ये पूरा डार्ट वाला एरिया जब नैनीताल लाओगे तो सबसे पहला यही पड़ेगा, और गांधी जी का स्टैचू कितना खूबसूरत सा लग रहा है। डार्ट वाले एरिया में ना काफ़ी जितने भी टूरिस्ट दिख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जितने भी मछलियाँ उनको निहार रहे हैं, वही जिस तरीके से मलीताल वाले एरिया में ना ब्रेड रेड खिलाते हैं ना, तो यहाँ भी एग्जैक्ट पीछे मछलियाँ दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं, फोन आज से छूट जाएगा मछलियाँ दिखाने के चक्कर में, लेकिन मछलियाँ तो दिख ही रही हैं। लेकिन यहाँ पर दो गैंग्स ऑफ डॉग्स दिख रहे हैं ना भाई, ये देख रहे हो, ये बनमानुस जैसे। उस तरफ कहीं मछलियों की लड़ाई हो रही है, ये सारी जितनी मछलियाँ सब वहीं को जा रही हैं, इनको पता लग गया कि वहाँ पर को ब्रेड खिला रहे हैं। ठीक ही है, खैर सब भाग रही हैं, इधर को धुआं क्यों उठ रहा है यार? अच्छा, किसी ने शायद आग जला रखी है उधर। ठीक ही है, ठंडा हो रहा है तो यार, और छाँव में आते एकदम ठंड ज़्यादा लगने लग रही है। तो इन डॉग्स को कुछ कहें क्या? अगर किसी को भी एक को भी बुला लिया ना, ये सब झपट पड़ेंगे, और ये कोई पतले दुबले लग भी नहीं रहे, जंबो पहलवान सुमो डॉग्स। ऑल रोड में आओगे ना, आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप पैदल जा सकते हो 1.5 किलोमीटर एंजॉय करते हुए जिस तरीके से अभी हम जाने वाले हैं, या ई रिक्शा के थ्रू से जा सकते हो 10 रुपये देकर, जैसे हम मलीताल से तलीताल की तरफ को आए हैं।
या अपनी कार लाते हो तो 110 रुपए करीब फोर व्हीलर के लिए देने पड़ते हैं, चुंगी होती है वो कटाओगे, फिर मॉल रोड में एंट्री मिलेगी, फिर डीएसए फ्लैट्स में जाके अपनी फोर व्हीलर पार्क करोगे। द चॉइस इज योर्स, जिस तरीके से आपको आना है। लेकिन कार वाले अगर जितने भी, उनको तो आना ही पड़ेगा, तो ऐसा मत करना कार या कहीं भी खड़ी कर दिया पैदल निकल पड़े, ऐसा मत करना यार, यहाँ जैमर लग जाता है अगर कहीं भी कार खड़ी कर दी तो। पैदल आओ, पूरा एक्सप्लोर करते हुए जाओगे, क्योंकि बगल में ही झील होती है और आप रोड में आराम से चल रहे हो। थोड़ा सा ही आगे चलोगे, मेरे ख्याल से हार्डली 200 मीटर चलोगे ना, उसके बाद एक पार्क आ जाता है जो आगे आने वाला है, हम उसी पार्क में घुस जाएंगे, फिर हमें गाड़ियों को भी कोई टेंशन नहीं होगी। नहीं तो होता क्या है कि यार गाड़ियाँ चल रही हैं यार पीछे से देखते हुए, चलो बच्चे हैं साथ में, तो ये बगल में ही आ गया है, इसको कहते हैं कैनेडी पार्क, और खूब लंबा है, इसी के अंदर चलते हैं हम सीधे, क्योंकि ऑन रोड कौन जाएगा आराम से, जब पार्क बना रखा है, सुविधा है तो पूरी ही सुविधा उठानी चाहिए। नैनीताल शहर एस्थेटिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, आप किसी भी कोने में हो गए ना, हर एंगल से ये शहर इतना ज़्यादा अद्भुत लगता है, और हर लोकेशन इस शहर की अद्भुत ही है। तो कैनेडी पार्क में ही अंदर आ गया हूँ, और क्या यार अलग ही आनंद आ रहा है आज, इधर देखो उधर देखो क्या ही देखो, मस्त सपना। कैनेडी पार्क की अलग ही वाइब्स हैं यार, सही बताऊँ तो यार देखो बगल में ही झील, आप कहीं भी खड़े हो जाओ आराम से और लेक को निहारो, या झील मतलब जो भी है, लेक झील एक ही बात तो हो गई यार, या रोड को निहारो, या पार्क को निहारो, या पेड़ों को निहारो। ये मजनूओं के पेड़ हैं जितने भी दिख रहे हैं इस तरफ, अब इनको लोकल भाषा में हम लोग मजनूओं के पेड़ बोलते हैं, पता नहीं किसने नाम दे दिया था, अब दे दिया था तो दे दिया था, लेकिन ठीक ही है, एक फन एलिमेंट है कि इनका नाम जो है मजनूओं के पेड़ हैं। कैनेडी पार्क की ना एक खासियत ये है, इसके डेड एंड में जाके एक है ओपन जिम टाइप, जो रोटरी क्लब नैनीताल ने खोला है, वही इसका देख रेख भी करता है, तो ऐसा है इंजॉय करने के लिए भी ठीक है, काफ़ी लोग आते हैं, बॉडी पंप पंप भी मारते हैं, तो बहुत सी मशीन्स बनी हुई हैं यहाँ पर को, और असेंबल कर रखे लोग आते हैं, और मेरे ख्याल से बॉडी बनाने के लिए तो नहीं, इंजॉय करने के लिए, मतलब कि थोड़ा बहुत बॉडी शो ऑफ करने के लिए, शोशेबाजी नहीं होती कि चलो भाई मैं भी अपने आपको, वैसा कुछ है नहीं, नॉर्मल सी जितनी भी मशीन्स हैं, बट ये कि हाँ जो मॉर्निंग में एजेड पीपल्स काफ़ी आते हैं यहाँ पर बॉडी टोन अप करने के लिए, और बॉडी मूवमेंट भी एटलीस्ट हेल्प हो जाता होगा इससे ज़रूर। बच्चे तो सबसे ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही सही हो जाता है यार ये, और बड़े भी, बच्चों के साथ साथ बड़े भी, मस्ती सभी की हो रही है। इधर दिख रहे हैं कुछ परिवार, उधर माँ बाप अपने बच्चों को देख रहे हैं वो किस तरीके से मस्ती कर रहे हैं, तो यही है खैर इन्जॉय ज़्यादा हो रहा है मशीन्स के साथ, ठीक है चलो अच्छी बात है। तो हम अलका होटल, एवरेस्ट होटल, ये यहाँ के कुछ महंगे वाले होटल्स हैं, तो वहाँ पर को आ चुके हैं, आधा मॉल रोड हमने क्रॉस कर ही दिया है, अब हल्के हल्के शाम भी, मतलब अभी तो टाइम है यार शाम ढलने में, एक बोट हमसे तेज़ी से आगे जा रही है, लेकिन इससे पहले हम बोट से पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन हम मल्लीताल, क्योंकि बोट की स्पीड थोड़ी हल्की होती है और हमारी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी। बैक टू दी रोड्स, कैनेडी पार्क फिनिश हो गया था, तो अब पैदल पैदल वापस लोअर मॉल रोड से ही चलते हैं मल्लीताल वाले एरिए की तरफ को। बाकी अब हल्के हल्के शाम भी ढलने लग गई है, मुझे कुछ पंछी दिख रहे हैं, बट यार मैंने होप कैप्चर कर पाऊँ, ये कुछ साइबेरियन बर्ड्स होती हैं, ये यहाँ पर फिशिंग करने इस टाइम पे आती है, अभी इनका पूरा समूह आएगा, शुरू हो चुके हैं, ये साइबेरिया से माइग्रेट करें नैनीताल शहर आती हैं और अप्रैल तक यहीं पर रहती हैं। इधर दिख गई हैं बहुत सारी बतखें जो इधर को टूलती हुई दिख रही हैं, तो मैं बर्ड्स के बारे में बात कर रहा था, तो ऊपर जो है ना ये बर्ड्स, तो इनको बोलते हैं ग्रेट कॉन्ग्रेंट, ये साइबेरिया से माइग्रेट करके नैनीताल शहर हर बार आती हैं, तो ये दिख रही है ना बड़ी बड़ी सी, भाई ये एक एक दो दो किलो की मछली खा जाती है अपने मुंह में, ऐसे ही निकल लेती हैं, तो इनको ग्रेट कॉन्ग्रेंट बोलते हैं, और ठीक इनके ये जो बर्ड्स हैं इनके ऊपर ही बैठी हुई हैं, इनका यहाँ पर कोई अड्डा है, तो फिशिंग करते हुए अभी तो कोई दिखेगी नहीं, लेकिन मैं बहुत बार देखा है भाई वो घुड़प से, मतलब पानी के अंदर गोता लगाती हैं, वहाँ से मछली पकड़ कर फिर उड़ जाती है ऊपर, और ऐसे ही डाल पर यहीं पर ये अभी शुरुआत हो गई है, इनके और भी भाई बंधु भी कुछ दिन में दिखने लगेंगे। इन पंछियों का जब नैनीताल शहर में आगमन हो जाता है, दैट मीन के ठंड की शुरुआत हो गई है, क्योंकि पूरे जाड़े भर ये पंछी जो है ग्रेट कॉन्ग्रेट है यहीं पर रहेंगे, यहीं पर दबा के शिकार करेंगे भाई, और फिर ये अप्रैल के टाइम पे वापस चले आते हैं, फिर ऐसा होता है कि हाँ भाई सर्द काल जितना ये फिनिश हो गया और वापस ये माइग्रेट करके चले जाते हैं नैनीताल शहर से। और सी व्यूअर्स बाइक टैक्सी के रिगार्डिंग क्वेरी कर रहे थे नैनीताल शहर में, किस रेट पर बाइक एंड ऑल मिलती है या टैक्सी जितनी भी ये वाली है, देखो ये सारी स्कूटी दिख रही है, ये 700-800 रुपये में ये टैक्सी ये वाली मिल जाती है स्कूटी, अगर बाइक की बात करते तो देखो बुलेट दिख रही है वो 1000 से 1200 के बीच में। घूम लिया आज पूरा, दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय द वीडियो, तो एट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो, जो भी करो दबाना जरूर, मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए तारा।